नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही न्यूज चैनल ट्रस्टेड न्यूज में। दोस्तों, अगले साल से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, नेट, नीट और JEE की परीक्षाएं आयोजित करेगी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नीट और JEE की परीक्षाएं अगले साल से एक वर्ष में दो बार आयोजित की जाएंगी। एजेंसी ने नीट 2019 और जीमेन 2019 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में होने वाली इंजीनियरिंग व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नई एजेंसी की घोषणा की है, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यह एजेंसी अगले सत्र से देश में नेट, नीट और JEE परीक्षाएं आयोजित करेगी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नीट और JEE की परीक्षाएं अगले साल से दो बार आयोजित की जाएंगी। एजेंसी ने नीट 2019 और जीमेन 2019 का एग्जाम शेड्यूल भी जारी कर दिया है। नीट 2019 की परीक्षा 3 से 17 फरवरी 2019 के बीच आयोजित होगी। अभ्यर्थी 1 से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। यह परीक्षा 8 सीटिंग में होगी। इसमें छात्र अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा के दिन चुन सकते हैं। इसका रिजल्ट मार्च के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा। नीट 2019 की मई में दूसरी बार आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को मार्च के दूसरे हफ्ते में आवेदन भरना होगा। इसकी परीक्षा 12 मई से 26 मई तक आयोजित होगी। इसका रिजल्ट जून के पहले हफ्ते में जारी होगा। वहीं JEE मेन की परीक्षा अगले साल जनवरी और अप्रैल में आयोजित होगी। जनवरी में होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। परीक्षा 6 जनवरी से 20 जनवरी तक आयोजित होगी। यह परीक्षा भी 8 सीटिंग में होगी और इसमें भी अभ्यर्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा का दिन चुनने का अधिकार मिलेगा। इसका रिजल्ट फरवरी के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा। JEE मेन की अप्रैल में होने वाली परीक्षा के लिए छात्र फरवरी के दूसरे हफ्ते में ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। यह परीक्षा 7 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलेगी। इसका रिजल्ट मई के पहले हफ्ते में आएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल नवंबर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी थी। NTA को आत्मनिर्भर संस्था बनाया गया है। सरकार ने 25 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया है। 2017-18 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने NTA के गठन की घोषणा की थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक।